शिवानी और आप देख रहे हैं न्यूज वर्ल्ड इंडिया का मसालेदार प्रोग्राम बॉलीवुड गपशप। और वक्त हो गया है बॉलीवुड की ताजा चटपटी और मसालेदार खबरों से रूबरू होने का। तो देर किस बात की, चलिए करते हैं शुरुआत बॉलीवुड की खास खबरों के साथ। हम समझ गए कि आपको किसका इंतजार है हमारी अगली न्यूज का, जो कि धमाकेदार है। तो चलिए चलकर देखते हैं कहां हो रहे हैं एंटरटेनमेंट के धमाके। जीत गया अग्नि, गरिमा और प्रमोद सुशील का प्यार। जी हाँ, यहाँ दुल्हन सज धज कर तैयार है और कर रही है अपने दूल्हे का इंतजार। सीरियल कांटेलाल एंड सन्स में कांटेलाल की डॉक्टर्स की शादी हो रही है और यहाँ दुल्हन बनकर गरिमा और सुशीला खुशी से झूम रही हैं। और यहाँ दूल्हे भी बैंड बाजा और बराती लेकर पहुंच गए हैं दुल्हन के द्वार। और यहाँ तो जैसे रब ने ही इनकी जोड़ी बना दी है। अब आप ही देखिए ना, जितनी सुशील गरिमा है उतनी फिल्मी इंस्पेक्टर अग्नि है। देखिए कैसे यहाँ मिस्टर दूल्हा फिल्मी स्टाइल में नाचते गाते एंट्री कर रहे हैं। और वहीं जितनी चुलबुली सुशीला हैं उतने ही शांत और सीधे साधे डॉक्टर प्रमोद हैं। और जब ये जनाब शादी करने पहुंचे तो कैसे खुशी और शर्म से इनका चेहरा लाल हो गया है। फिलहाल तो डॉक्टर साहब अपने दुल्हनिया के साथ ठुमके लगाइए और एंजॉय कीजिए, क्योंकि ये टाइम दोबारा नहीं मिलने वाला है। वैसे हमारी तरफ से तो आप दोनों को बेस्ट ऑफ लक कहेंगे आपकी आगे की शादीशुदा जिंदगी के लिए। हाँ, ये जो बेस्ट बहू का कंपटीशन है ना, किसी के पास अगर इसका कोई नुस्खा है तो कोई तरीका है प्लीज बता दीजिए इमली को, क्योंकि यकीन मानिए कंपटीशन जितना बड़ा ही मुश्किल है और खासकर सासू माँ के दृष्टिकोण से। अब यही कोशिश कर रही है इमली कि किसी तरह अपनी सासू माँ को इम्प्रेस कर दे और बता दे कि वही है सबसे अच्छी बहू। बेचारी इमली एकदम अच्छे से कोशिश कर रही है लेकिन फिर भी फेल हुए जा रही है। सोसाइटी और मोहल्ले की जहाँ चार औरतें इकट्ठी हो जाए तो वहां पर भला तानेबाजी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। जैसे कि मोहतरमा अभी ताना मार रही हैं अपर्णा को। जैसा कि हमने आपको बताया था कि इमली शो में बेस्ट बहू का कंपटीशन होने वाला है जिसमें इमली ने भी हिस्सा लिया है, लेकिन यहाँ पर अपर्णा ने इमली को देख तो सबके सामने उसकी लिस्टी फाड़ दी। फिर क्या, सोसाइटी की औरतों को तो मौका मिल गया और यहाँ ये दांव उल्टा ही पड़ गया और अपर्णा को ही ताना मार दिया गया। अब इमली के लिए भी तो ये कंपटीशन जीतना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि इसी कुकिंग कंपटीशन के ज़रिए तो वो अपने सासू माँ के दिल में जगह बनाने वाली है। और नीलम, जिसे ये लगता है कि ये है कि उनकी बहू जो है प्राची नंबर वन बहू बनेंगी, तो भाई मैडम ऐसा बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इमली भले ही गांव की है लेकिन शहर वालों का दिल जीतना उसे अच्छे से आता है। पानी दा रंग वेख के, जी हाँ, अब तो आप समझ ही गए होंगे कि हम बात कर रहे हैं मल्टी टैलेंटेड आयुष्मान खुराना की, जो कि एक्टिंग से लेकर सिंगिंग और डायरेक्टिंग हर फील्ड में अपने किस्मत का सितारा चमका चुके हैं। बरेली की बर्फी और बधाई हो के बाद आयुष्मान तीसरी बार जंगली पिक्चर से जुड़ चुके हैं। पिछले साल है दिसंबर महीने में इस प्रोडक्शन हाउस ने आयुष्मान के साथ अपने तीसरे प्रोजेक्ट डॉक्टर जी की अनाउंसमेंट की थी। इस फिल्म में आयुष्मान खुराना पहली बार रकुल प्रीत के साथ स्क्रीन स्पेस शेयर करते नजर आएंगे। अब ये फिल्म फ्लोर पर आ चुकी है। अनुभूति कश्यप के डायरेक्शन में इस कॉमेडी कैंपस ड्रामा में आयुष्मान और रकुल डॉक्टर के रोल में नजर आने वाले हैं। बॉम्बे टाइम्स ने सेट से आयुष्मान के नए लुक की एक्सक्लूसिव तस्वीरें शेयर की हैं, जिसमें आयुष्मान अपने डॉक्टर गेटअप में नजर आ रहे हैं। डॉक्टर के रूप में आयुष्मान बेहद सिंपल लग रहे हैं। चश्मे के साथ सफेद जैकेट पहने आयुष्मान ने अपने हाथों में किताब लिए किसी स्टूडेंट से कम नहीं लग रहे हैं। आयुष्मान के परफेक्शन का इसी बात से अंदाजा लगाया जा सकता है कि वो जिस भी रोल में होते हैं उसके भीतर समा जाते हैं। अब प्रोजेक्ट्स को लेकर एक्साइटेड आयुष्मान बताते हैं, डॉक्टर जी का विषय मेरे दिल के बेहद क्लोज है। लॉकडाउन से जुड़े कानूनों को ध्यान में रखते हुए हम सभी फिल्म की शूटिंग शुरुआत का इंतजार कर रहे थे
अब वो इंतजार खत्म हो गया है। हमें खुशी है कि आखिरकार वो दिन आ ही गया। पहली बार डॉक्टर को पर्दे पर पेश करना गर्व की बात है। वहीं वापस से एक स्टूडेंट और कैंपस लाइफ जीने के लिए एक्साइटेड हूँ। मेरी बहुत सी यादें ताज़ा हो जाएंगी। वहीं फिल्म की शूटिंग के लिए आयुष्मान भोपाल पहुँचे हैं। भोपाल के लोकेशन से आयुष्मान ने एक वीडियो अपने इंस्टाग्राम स्टोरी में शेयर किया है, जहां वो आम के पेड़ के नीचे बारिश का जिक्र करते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही आयुष्मान ने ये भी बताया कि किस कदर इन सब चीजों को देखकर वो अपने बचपन की यादों में लौट आए हैं। देखिए, अगर मेरी आवाज अच्छी होती ना तो मुझे गाना ये आता। आज मैं ये गाना जरूर गुनगुनाती। गम है किसी के प्यार में हाय दिल सुबह शाम, लेकिन सुर ही नहीं लगते तो क्या करें। बट यू गेट द फीलिंग। वो क्या है ना, सीरियल का नाम ही इतना रोमांटिक है और साथ में मौसम भी इतना रोमांटिक है, तो गाना तो बनता है। खैर, अब गाने की बात बहुत हो गई, अब जरा सीरियल की बात कर ले। सीरियल में ऐसा क्या हुआ कि विराट ने पाखी के मुंह पे दरवाजा बंद कर दिया। देखिए, पाखी की याद कर लीजिए कि जो हुआ उससे भूल जाइए। अरे मतलब कि जो रिश्ता पूरा ही नहीं हुआ उसके पीछे पड़ने से क्या फायदा। क्या विराट अब पाखी की हरकतों से परेशान हो गया है? क्या पाखी की हरकतें उसे इरिटेट करने लगती है? अब लगता तो ऐसा ही है, तभी तो पाखी के मुंह पर विराट ने दरवाजा बंद कर दिया। विराट कभी ऐसा नहीं कर सकता है, पाखी सोच भी नहीं सकती थी। अब यही सोच सोच कर उसकी आंखों से गंगा जमुना बह रही है। अब जब तक पाखी ये नहीं मान जाती कि विराट उसका नहीं बल्कि सई का पति है और पति पत्नी का पूरा हक होता है एक दूसरे का साथ देने का, लेकिन पाखी इन बातों को नहीं समझती है। वो तो अब विराट का चेहरा भी नहीं देखना चाहती है। अब क्योंकि पाखी की उम्मीद विराट ने तोड़ दी है, ऐसा उसके मन में चल रहा है। अब देखते हैं कि आगे इस प्यार के तकरार में होता क्या है। वैसे वक्त भी ना कमाल की चीज है। यकीन मानिए, वक्त के साथ जीवन में काफी कुछ बदल जाता है, इंसान बदल जाता है। और अगर बात करें सीरियल की, तो यहाँ वक्त ही पल पल में बदल जाता है। अब यही देख लीजिए, भाई अनुपमा और काव्या में ये सीन चल रहा है। आ देखिए जरा किस में कितना है दम। वो क्या है ना, डांस वाला फेस ऑफ हो रहा है। भाई पाखी का कहना है कि काव्या इज अ बेटर डांसर, लेकिन समर का कहना है कि जी नहीं, माय मॉम इज द बेस्ट। अब पॉइंट की बात ये है कि आपको और हमको एक डांस का फेस ऑफ देखने को मिलने वाला है, तो चैन से बैठिए, कुर्सी की पेटी बांध लीजिए एंड एंजॉय। वाह, क्या डांस कंपटीशन चल रहा है। एक तरफ काव्या रानी तो दूसरी तरफ अनुपमा। और अनुपमा इसलिए डांस कर रही है ताकि वो अपनी बेटी को खुशी दे पाए, तो वही काव्या अनुपमा को हराने के लिए डांस कर रही है। अब इस कॉम्पिटिशन में आपको क्या लगता है कौन जीतेगा, एक माँ या एक खुदगर्ज औरत? अब जिसका दिल नेक हो भगवान उसी का साथ देते हैं, लेकिन यहाँ अनुपमा और काव्या को आमने सामने डांस करते हुए देखकर घर वाले भी यही सोच रहे हैं कि भाई हमें क्या पता था कि पाखी के चलते ऐसा दिन भी देखना पड़ जाएगा। अब पाखी को काव्या ने भड़काया जो है, तो बस इसलिए पाखी को लगता है कि काव्या से बेटर डांसर तो कोई है ही नहीं। तो वहीं समर को लगता है कि मेरी माँ अनुपमा से बेहतर डांसर कोई हो ही नहीं सकता। फिर क्या, अब जब दोनों का कंपटीशन में यहाँ जीत अनुपमा की होती है, क्योंकि पाखी तो चाहती है कि काव्या जीते, तो लीजिए काव्या जीत कर भी हार गई। लेकिन आपको तो पता ही है, जीत कर हारने वाले को अनुपमा कहते हैं। कल ही एक माने हुए पंडित ने देखी मेरी कुंडली और मुझसे कहा कि आने वाला है तुम्हारा मिस्टर राइट। OMG, कैसा होगा वो, कहाँ होगा वो। खैर छोड़िए मेरी कुंडली, आप जरा नजर डाल लीजिए हमारे अगले शो पर, जिसका नाम है कुंडली भाग्य, और देखते हैं इनकी कुंडली में क्या चल रहा है। सीरियल में आ गया है चेंज। जी हाँ, क्योंकि सीरियल के जो राइटर है उन्होंने कुछ नया ट्विस्ट ला दिया है, और वो ट्विस्ट है सीरियल में लीप का आना। खैर ये तो शुरुआत है, वो कहते हैं ना कोई भी चीज कभी खत्म नहीं होती। अब देखिए कुंडली भाग्य को,
भले ही 4 साल पूरे हो गए हो, लेकिन अभी भी ये सीन देखकर हम तो कहेंगे कि ये तो बस शुरुआत है। सीरियल ने ले लिया है लीप, और लीप के बाद कहानी एक दिन में बदल गई, और कहानी के साथ साथ किरदारों का रूप भी बदल गया है। और कहते हैं ना कि जब नई शुरुआत करते हैं तो गणपति की पूजा के साथ ही करते हैं। अब ऐसा ही हो रहा है यहाँ पे। करण और प्रीता आज बप्पा की आरती कर रहे हैं, और साथ ही घर वाले भी एक एक करके आरती कर रहे हैं और बप्पा का धन्यवाद कर रहे हैं। अब यहाँ दादी का जन्मदिन है, और प्रीता तो वैसे भी दादी की लाजली बहू है। अब जब कुंडली भाग्य में खुशियाँ तो जैसे बाय वन गेट वन फ्री ही बनकर आई हैं, अब भले दादी के जन्मदिन के साथ ही ऐसा लग रहा है कि प्रीता भी माँ बनने वाली है। अब भाई चक्कर तो कुछ ऐसा ही लग रहा है। खैर देखते हैं आगे क्या होता है। बॉलीवुड के डैशिंग और हैंडसम एक्टर सिद्धार्थ मल्होत्रा की मच अवेटेड फिल्म शेरशाह की हाल ही में रिलीज डेट अनाउंस हो गई है। जी हाँ, सिद्धार्थ के नाम से फिल्म। कियारा आडवाणी मेन रोल में है। सिद्धार्थ मल्होत्रा शेरशाह की रिलीज की तैयारी में जुट गए हैं। इसी बीच फिल्म का नया पोस्टर भी रिलीज हो गया है, जिसमें इस जोड़ी का रोमांटिक अंदाज देखने को मिला है। दरअसल कियारा और सिद्धार्थ दोनों ने ही अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर फिल्म का पहला पोस्टर शेयर किया है। बता दें कि फिल्म से पहली बार सिद्धार्थ और कियारा का यह पहला लुक सामने आया है, और आते ही ये सबके दिलों पर छा गया है। पोस्टर में रूमर लव वर्ड्स एक दूसरे का हाथ पकड़ते हुए नजर आ रहे हैं, जबकि कप्तान विक्रम की भूमिका निभाने वाले सिद्धार्थ कियारा की आंखों में टकटकी लगाए हुए हैं। दूसरी ओर कियारा उनके बगल में बैठकर मुस्कुराते हुए नजर आ रही हैं। सिद्धार्थ ने पोस्टर के साथ कैप्शन में लिखा, सबसे अच्छे वादे वो होते हैं जो समय के साथ किए जाते हैं, और ये भी एक ऐसा ही हमेशा रहने वाला वादा है। बता दें कि ये फिल्म 12 अगस्त को रिलीज होने वाली है। वहीं कियारा ने पोस्टर को शेयर करते हुए लिखा, जो वादा सबसे ज्यादा मायने रखता है वो दो दिलों के बीच है, और ये कहानी ऐसे ही वादों को दिखाती है जो पूरी जिंदगी और जिंदगी के बाद भी निभाए जाते हैं। बता दें कि कियारा फिल्म में सिद्धार्थ के लव इंटरेस्ट का किरदार निभा रही हैं। इस फिल्म में कैप्टन विक्रम की पूरी कहानी दिखाई जाएगी। फिल्म में सिद्धार्थ मल्होत्रा और कियारा आडवाणी लीड रोल में है, जबकि शिव पंडित, राज अर्जुन, प्रणय चौधरी और हिमांशु अशोक, पवन चोपड़ा भी मुख्य भूमिका में नजर आएंगे। ये फिल्म स्वतंत्रता दिवस के वीकेंड पर रिलीज होगी, और भारत के साथ दुनिया भर के 240 से ज्यादा देशों में 12 अगस्त को दर्शक अमेज़न प्राइम वीडियो पर इस फिल्म का आनंद ले सकते हैं। बिग बॉस 14 के विनर रह चुकी एक्ट्रेस रुबीना दलैक आए दिन अपनी तस्वीरों और वीडियोस की वजह से चर्चा में बनी रहती हैं। रुबीना ने अपने रियलिटी शो से काफी दिलों में जगह बनाई है। उनके फैंस उनकी एक्टिंग से लेकर उनकी गॉर्जियस लुक को बेहद पसंद करते हैं। रुबीना की वाकई में कमाल की फैन फॉलोइंग है। उनके फैंस उनसे जुड़ी हर एक बात जानने को बेताब रहते हैं। अब आपको एक बात और बता दें, एक्ट्रेस रुबीना दलैक जल्द ही फिल्मों में नजर आने वाली है। जी हाँ, आपको बता दें रुबीना जल्द ही बॉलीवुड में डेब्यू करने जा रही हैं, जिसकी शूटिंग भी जल्द ही शुरू हो जाएगी। इस बात की जानकारी तरण आदर्श ने एक ट्वीट करते हुए की। तरण ने ट्वीट में लिखा, रुबीना दलैक बॉलीवुड में डेब्यू करने के लिए तैयार हैं। संगीतकार पलाश मुच्छल इस फिल्म को बनाएंगे। रुबीना ने डेब्यू फिल्म साइन कर ली है। तरण ने आगे लिखा, रुबीना दलैक के अलावा पलाश ने टीवी एक्टर हितेन तेजवानी को भी साइन किया है। वहीं इन दोनों स्टार्स के अलावा राजपाल यादव भी इसमें नजर आएंगे। फिल्म शूटिंग सितंबर 2021 से शुरू हो जाएगी। रुबीना के फैंस इस खबर पर अपनी एक्साइटमेंट और रिएक्शन शेयर कर रहे हैं, और खूब सारा प्यार भी बरसा रहे हैं। ऐसा माना जा रहा है कि जिस तरह रुबीना दलैक ने छोटी बहू बनने के बाद सभी के दिलों में जगह बनाई है, और अब वैसे ही रुबीना फिल्मों में अपनी एक्टिंग से धमाल मचाने के लिए एकदम तैयार हैं।
मोस्ट पॉपुलर शो बालिका वधू अब एक बार फिर से शुरू होने जा रहा है। इस शो का सीजन 2 दर्शकों के बीच वापसी कर रहा है, इसका हर कोई इंतजार कर रहा है। वहीं अब शो का नया प्रोमो भी रिलीज कर दिया गया है। शो के मेकर्स ने इसका प्रोमो रिलीज किया है और इस प्रोमो में नन्ही आनंदी का जन्म भी दिखाया गया है और ये भी दिखाया गया है कि कैसे आनंदी को पैदा होने से पहले ही बाल विवाह का अभिशाप झेलना पड़ता है। बता दें कि शो का दूसरा सीजन भी पहले सीजन की तरह समाज में होने वाले बाल विवाह की बुरी प्रथा पर बेस्ड है। प्रोमो की शुरुआत में दिखाया गया है कि एक परिवार में बेटी जन्म लेती है, वही बेटी पैदा होने की खबर से सभी बहुत खुश होते हैं। बैकग्राउंड में प्रोमो में बताया गया है कि एक घर की बेटी और दूसरे घर की बहू, हम इसका नाम रखेंगे आनंदी। बाल विवाह कुप्रथा का अभिशाप अपनी माँ की कोख में ही झेलना पड़ा उसे। जन्म से पहले ही विवाह तय हो गया था। कलर्स ने वीडियो पोस्ट कर लिखा, बाल विवाह की इस कुप्रथा का अभिशाप अपनी माँ की कोख में ही झेलना पड़ा नन्ही आनंदी को। इस कुप्रथा को मिटाने के लिए लौट आई है एक नई बालिका वधू, #बालिकावधू2। बता दें ये शो सोमवार से शुक्रवार रात 8 बजे से 9 बजे तक अगस्त से ऑन एयर होगा। बता दें कि बालिका वधू की शूटिंग राजस्थान में शुरू हो चुकी है। वहीं शो को लेकर मीडिया सोर्सेस की माने तो चाइल्ड आर्टिस्ट श्रेया पटेल छोटी दुल्हन का किरदार निभाएंगी, जो कि आपकी नजरों में इससे पहले श्रेया पटेल नजर आ चुकी हैं। इनके साथ ही बालवीर एक्टर वंश शयानी दूल्हे के किरदार में दिखेंगे। तो एक बार फिर बालिका वधू इस शो के जरिए पुरानी यादों को ताजा करने वाला है। बॉलीवुड गपशप में फिलहाल के लिए इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ वर्ल्ड इंडिया के साथ।